एक नया और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों सबका स्वागत है, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे कि 7S का जो बैटरी होता है, ई साइकिल या ई बाइक का जो बैटरी होता है, उसमें आप कैसे BMS को कनेक्ट करेंगे, मतलब कि BMS का पूरा डिटेल कनेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो पहले तो देखिए, ये BMS हम लोग यूज़ करेंगे जो है आपका 7S वाला BMS, मतलब कि 24 वोल्ट का एंड 20 एम्पेयर का BMS है। एंड ये वाला जो BMS है दोस्तों, ये वाटरप्रूफ BMS है, मतलब कि आप बारिश में भी इसको रखेंगे तो इसमें पानी नहीं जाएगा, मतलब इसके अंदर में सर्किट बोर्ड में कोई भी टाइप का डैमेज नहीं होगा। तो BMS के साथ ही ये वाला वायर का हम लोग का पूरा कनेक्शन आप लोगों को दिखा देंगे। एंड इधर भी एक और एक वायर रहता है जो आपका टेम्परेचर सेंसर होता है, अगर बैटरी बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा किसी कारण से तो ऑटोमेटिक ये BMS जो है बैटरी को बंद कर देता है। तो ये एक स्पेशल फैसिलिटी हम लोगों को मिल जाता है जो वाटरप्रूफ वाला BMS है उसमें। एंड दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला BMS सेम पोर्ट वाला होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका चार्जर का अलग से कोई पोर्ट नहीं रहता, वो आपका इनबिल्ट ये दोनों वायर में हो जाता है। मैं उसको बाद में आपको दिखा दूंगा कि चार्जर का कनेक्शन भी आपको कैसे करना होता है। तो पहले तो देखिए, ये वाला जो बैटरी हम लोग इधर पे यूज करेंगे, ठीक है, ये पूरा स्पॉट वेल्डिंग का बैटरी है, मैं इसके बारे में बोलता हूँ। इसके अलावा आपको बस चाहिए एक 60 वाट का सोल्डर आयरन, ठीक है। बहुत सारे लोग 25 वाट की यूज़ करते हैं, मतलब मगर 25 वाट का मत कीजिएगा, उसमें थोड़ा लेट होता है काम एंड अच्छे से सोल्डर नहीं होता। तो बैटरी के लिए 60 वाट का सोल्डर आयरन सबसे बेस्ट होता है। एंड इसके लिए हम लोगों को जो वायर वगैरह चाहिए, उसके लिए हम लोग यूज़ करें 1.5 mm वाला जो वायर होता है, ठीक है, 1 mm नहीं 1.5 mm बेटर होगा। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो बैटरी है, इसमें देखिए टोटल 5 पैरेलल सेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड टोटल 7 बैटरी सीरीज में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब टोटल 35 सेल यूज किया गया है। एंड इस सेल आपका 2200 mAh का है, BAK कंपनी का बाक का सेल है। तो इसमें टोटल जो एज होता है हम लोगों का 11 AH और 11000 mAh हम लोगों को मिलेगा बैटरी से, ठीक है। एंड वोल्टेज होगा 24 वोल्ट फॉर ई साइकिल। तो इसका मैं पहले देखिए कनेक्शन बोल देता हूँ। जो स्पॉट वेल्डिंग किया गया आप लोग देख सकते हो, ये वाला है पूरा पॉजिटिव का लाइन, ठीक है, ये सेक्शन पॉजिटिव का, और इसके ऑपोजिट में मतलब ये वाला सेक्शन होता है आपका नेगेटिव का। तो नेगेटिव के बाद कैसे कनेक्शन होता है देखिए, नेगेटिव के बाद ये देखिए, ये वाला सीरीज में पहला वाला, तो ऐसे पूरा एक स्क्वायर करके सभी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो स्क्वायर करके, इसके बाद ऐसा हुआ, तो इसके बाद ये दोनों सेक्शन जो होता है उसके पीछे ऐसे स्क्वायर हुआ, उसके बाद ये दोनों बैटरी का स्क्वायर ऊपर में हुआ, इसका इस पे हुआ, देन इसका ऐसे करके ऐसे, ठीक है। एक बार कनेक्शन अच्छे से दिखा देता हूँ। ये हुआ आपका नेगेटिव का साइड का, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, नेगेटिव साइड का कनेक्शन, ये हुआ आपका पॉजिटिव साइड का कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन के बाद देखिए अभी कैसे चेक करेंगे कि वोल्टेज क्या क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इधर पे मल्टीमीटर से एकदम आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो देखिए हम लोगों का इधर पे 0 आएगा एंड इधर पे आपका 24 वोल्ट आना चाहिए, तो अभी आ रहा है 25.7, ठीक है। तो हम लोग इधर पे क्या करेंगे, इधर पे 0 करके मार्क कर देंगे, BSMS में ऐसा मार्क करके कीजिएगा, मैं जैसा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऊपर में आएगा 1, देखिए 3.6 आ रहा है, ठीक है। इधर पे आना चाहिए देखिए 7.4 के करीब, ठीक है, 11.1, ठीक है, 14 के करीब, ठीक है। तो हम लोगों का ये होता है 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, तो 5 नंबर का 18 वोल्ट, उसके बाद आपका 22, देन 25। तो अभी देखिए वोल्टेज अप्रोप्रिएट आ रहा है, मतलब कि हम लोगों का जो बैटरी का कनेक्शन हुआ एकदम ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, BMS ऐड करना पड़ेगा इधर पे। तो दोस्तों अभी BMS को बैटरी के ऊपर लगाने के लिए मैं देखिए तब डबल साइड टेप का इस्तेमाल करूंगा। तो इस साइड हम लोगों का सभी कनेक्शन होगा, तो मैंने इस साइड पे BMS को लगाया है। दोस्तों अभी देखिए BMS के वाला जो वायर जो इधर पे इंसर्ट होगा, ठीक है, इसमें देखिए इस साइन का माइनस है एंड ये वाला साइन आपका पॉजिटिव है, देखिए माइनस पॉजिटिव, माइनस एंड पॉजिटिव साइन। तो माइनस या नेगेटिव में क्या होता है, देखिए आपका ब्लैक कलर का इंडिकेशन है, इसे भी आप समझ सकते हो कि ये वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल का है। तो माइनस या नेगेटिव वाला जो होता है एकदम, वो वाला आपका होता है 0 से, मतलब कि 0 से, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर करते हुए 1S, 2S, 3S, 4S करके जाएगा। जैसे कि आप इधर पे
देख सकते हो, ये हुआ जीरो का, ये हुआ वन एस, टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो आपको सीरियल वाइज इसको कनेक्शन करना है, तो पहले आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा पूरा, उसके बाद ही आप बीएमएस के साथ अटैच कीजिएगा। बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि बीएमएस के साथ इसको पहले बीएमएस के साथ अटैच कर तो उसके बाद कनेक्शन करते, मतलब मगर वो करना नहीं चाहिए। बीएमएस में एकदम लास्ट में कनेक्शन देना चाहिए, पहले आप अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद बीएमएस में कनेक्शन दीजिए। तो अभी दोस्तों हम लोग पहले जीरो इसका कनेक्शन करेंगे। उसके लिए दोस्तों देखिए, ऐसा छोटा पेपर का टुकड़ा आप इसके पीछे ऐसे लगा दीजिएगा, क्योंकि जब भी इसका सोल्डर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट होता है एंड इसके बैटरी पीछे वो बैटरी वो आपका डैमेज हो सकता है, तो ऐसे एक छोटा पेपर का टुकड़ा लगा देना चाहिए। अभी दोस्तों देखिए, एक हीट ट्यूब आपको लेना पड़ेगा एंड एक छोटा सा वायर, क्योंकि ये वाला जो बी में इसका देखिए, ये वाला जो बी माइनस वाला टर्मिनल ये आपका बैटरी का जो बी नेगेटिव है, मतलब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है इधर का जो बी नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है, ठीक है। मगर ये हम लोग का वायर थोड़ा छोटा पड़ा है, इसलिए हम लोग इस छोटे से इसको कनेक्ट करेंगे। एंड इधर पे बीएमएस का जो ब्लैक वायर होता है, तो हम लोग एक साथ में ब्लैक वायर इस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, एंड उसके अंदर एक बीएमएस डाल, उसके अंदर एक हीट ट्यूब ऐसे डाल देंगे। तो इसको हम लोग इधर पे सोल्डर करेंगे अभी। तो जीरो इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, एंड इसके ऊपर बस हम लोग को कनेक्ट करने वाला हीट ट्यूब, उसका जो बी नेगेटिव वाला वायर है उसके साथ हम लोग बैटरी का जो नेगेटिव का टर्मिनल का वायर है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। एंड दोस्तों ऑब्वियसली इसको भी हम लोग एक बीएमएस से कवर कर देंगे, हीट ट्यूब से कवर कर देंगे। तो अभी दोस्तों जीरो इसका कनेक्शन हो गया है, तो हम लोग अभी जाते वन इसके कनेक्शन में। तो सेम प्रोसेस है, ब्लैक वाला वायर का जो नेक्स्ट वायर है, ये वाला आपका ब्लैक का था, तो इसका जो नेक्स्ट वायर है ये नंबर, इसको हम लोगों को कनेक्ट करना है वन एस पे। तो इसके बाद जाना है टू एस पे। तो ऐसे करके दोस्तों टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक हम लोग प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे। तो अभी दोस्तों देखिए, जीरो से लेकर सिक्स एस तक हम लोगों ने सभी कनेक्शन कर दिया, अभी बाकी बस सेवन एस। अभी देखिए, ये बैटरी सेवन एस वाला बैटरी है, तो हम लोगों को इधर से पॉजिटिव का लाइन निकालना पड़ेगा, जो बैटरी का पॉजिटिव लाइन होगा। उसके लिए देखिए, सेवन एस बीएमएस का जो कनेक्शन है उसके वायर के साथ मैंने एक 1.5 mm वाला वायर कनेक्ट कर दिया, करीब 1.5 फुट लंबा। तो ये वाला होगा हम लोगों का मेन पॉजिटिव वायर ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सोल्डर करके इधर पर भी कनेक्ट करेंगे, एंड ऑब्वियसली हीट ट्यूब का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो अभी दोस्तों देखिए, इधर पे पूरा बीएमएस का कनेक्शन कंप्लीट है, इस वायर को बस हम लोगों को लगाना है बीएमएस के अंदर। एंड जो हम लोगों का पॉजिटिव वायर, वो देखिए मैंने ऐसे इधर से करके इस साइड से निकाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे बीएमएस के अंदर। ठीक है, बीएमएस का अंदर लगाने के बाद ये वाला वायर एंड ये पी नेगेटिव आप लोग देख रहे हो, पी नेगेटिव ये है पावर का नेगेटिव, तो इस दोनों में हम लोग का अल्टीमेटली वायर होगा, ठीक है। मगर ये वायर हम लोग ऐसे डायरेक्ट इसमें करेंगे, इधर से हम लोग के और एक एक्स्ट्रा वायर लगा के इसके साथ ही इसके बाजू से वायर निकालेंगे। दोस्तों इसके बाद जितना भी हीट ट्यूब है वो हम लोग डायरेक्ट कवर कर देंगे यूजिंग हीट गन, ठीक है। हीट गन के यूज करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वो लाइटर से या मार्चे से डायरेक्ट करेंगे तो उसमें ना जल जाने का खतरा रहता है। तो दोस्तों बैटरी लगभग रेडी हो गया, अभी बस जितना भी एक्स्ट्रा वायर है वो हम लोगों को यूजिंग दोस्तों टेप वगैरह से कवर कर देंगे। दोस्तों इधर पे देखिए, जो हीट सेंसर था आपको उसको मैंने इधर पे टेप कर दिया है, एंड ये जो नेगेटिव वाला हुआ था इसको भी इसके पॉजिटिव के बाजू से निकाला है, ठीक है। उसके बाद जितना भी हुआ था उसको मैंने टेप कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो बैटरी कंप्लीट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। अभी दोस्तों कभी भी जिंदगी में जितना भी बैटरी बनाइएगा लिथियम आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को सेम मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि बैटरी ऐसे टेप नहीं लगाते, ऐसे ही खुला भूल जाते हैं, एंड वही गलती होता है। ये दोनों टच कर सकता है ना आपका बैटरी उठ सकता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर को हमेशा थोड़ा सा, मतलब लेंथ सेम मत कीजिएगा कभी भी, थोड़ा ज़्यादा या बड़ा पॉजिटिव का छोटा, पॉजिटिव का बड़ा, कुछ ऐसा करके एडजस्ट कीजिएगा। तो अभी चलिए, बीएमएस का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, हम लोग अभी वोल्टेज मेजर करेंगे। तो चलिए, अभी ये रहा हम लोगों का मेन नेगेटिव वाला वायर एंड ये रहा हम लोगों का पॉजिटिव वायर। तो अभी देख रहे पा रहे हैं वोल्टेज, अभी मतलब बीएमएस का काम बीएमएस से स्टार्ट कर दे हम लोग, जैसे कि पहले एकदम दिख रहे थे कि 25.9 के करीब वोल्टेज था, मगर बीएमएस में सभी सेल में एडजस्टमेंट करके वोल्टेज हम लोग का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 27.4 वोल्ट अभी है, 27.4
27.4 बस इतना ही। एंड आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझ आया होगा कि कैसे 7S 20 एम्पीयर BMS का कनेक्शन किया जाता है, मतलब कि ई साइकिल एंड ई बाइक बैटरी का BMS कनेक्शन, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम चाहिए हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक कीजिए, उधर पे आपको इस पूरा कनेक्शन का जो सर्किट डायग्राम है वो मिल जाएगा एंड स्पेसिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको और कोई बैटरी का ऐसे BMS कनेक्शन जानना है कि नहीं, लाइक आपका 12 वोल्ट बैटरी का या 36 वोल्ट या 48 वोल्ट बैटरी का कुछ कनेक्शन जानना है कि नहीं, ठीक है। एंड अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों इधर पर और एक कभी कभी आपका चार्जिंग पोर्ट अलग होता है, मतलब कि यहाँ पे बी नेगेटिव पी नेगेटिव के एक साथ में एक सी नेगेटिव पॉइंट रहता है, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन कुछ भी मतलब डिफिकल्टी नहीं रहता उसमें, बस सी नेगेटिव से जो वाला वायर निकलता है, मतलब आपको जो सोल्डर करना पड़ेगा सी नेगेटिव जो वाला वायर निकला हुआ रहेगा वो वाला आपका चार्जर का नेगेटिव वायर होता है। एंड आपका ये जो पॉजिटिव होता है ना, ये वाला ही आपका चार्जर का पॉजिटिव भी हो जाता है। सेम पोर्ट जो पी माइनस एंड बी माइनस में, उसमें क्या होता है, ये दोनों वायर ही आपका अल्टीमेट वायर है, इसको ही आप चार्जर का पॉजिटिव एंड मोटर का पॉजिटिव में कनेक्ट कीजिए, इसको चार्जर का नेगेटिव मोटर के नेगेटिव में कनेक्ट कीजिए। बाकी जो डुअल पोर्ट वाला होता है या टू पोर्ट वाला होता है उसमें सी नेगेटिव एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है, जहाँ से आपको बस चार्जर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अलग से निकलवा रहता है, पॉजिटिव सेम ही होता है चार्जर एंड डिस्चार्जिंग का, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब बटन जैसे प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।